दोस्तों आप सभी का स्वागत है सरकार लड़कियों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे IRCTC की आई हुई बहुत ही बड़ी नई अपडेट। आपकी ऑनलाइन बुकिंग साइट IRCTC की साइट व ऐप जो है कितने समय के लिए बंद होगी अगले 7 दिनों तक बताएंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है किराया को कम कर रहा है, यानी कि स्पेशल गाड़ियों को हटाकर आपको नॉर्मल स्पेशल फेयर, नॉर्मल जो पहले चलती ट्रेनें उसके हिसाब से देख सकते हैं। ये दोस्तों मिनिस्ट्री की तरफ से आई हुई नोटिस है। रेलवे टेकिंग स्टेप टू नॉर्मलाइज पैसेंजर सर्विसेज इन फेज में। आपको बता दें रेलवे PRS जो शट डाउन है अगले आपको 7 दिनों बिजनेस आवर ऑफ नाइट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। देयर विल बी क्या कर रहा है दोस्तों रेलवे, डाटा अपग्रेडेशन ऑफ न्यू ट्रेन नंबर, यानी दोस्तों जो भी पहले स्पेशल ट्रेनें चलती थी 0 के नाम से, यानी कि 0 लगाकर स्पेशल ट्रेन के नाम पर, लेकिन अब उसको रेगुलर लगाया जाएगा, यानी कि 1 नंबर या और जो भी इसका रेगुलर पे उसका ट्रेनों का जो नंबर था उसके हिसाब से। देख सकते हैं रेलवे यहाँ पर नोटिस बकायदा जारी करके बताया है कि जो भी यहाँ पे फेज मैनर में हम करेंगे प्री कोविड लेवल्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि अगले 7 दिनों में आप सभी को दिखने लगेगा धीरे धीरे ट्रेनों में। आपको बताया 30% यहाँ पर जो आपकी फेयर है उसमें कम होते, किराया कम होते दिखेगा। ड्यूरिंग द लीन बिजनेस आवर ऑफ नाइट नेक्स्ट 7 डेज देर विल बी सिस्टम अपग्रेडेशन, डाटा अपग्रेडेशन, अपग्रेडिंग न्यू ट्रेन नंबर। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, ह्यूज नंबर ऑफ टाइम। आपको बता दें कि कब से कब होगा, आपको बता दें इंटरव्यू नाइट ऑफ 14th या 15th, यानी कि 14 से 15 के 14 और 15 को नाइट से लेके नाइट टू यहाँ पे 20 और 21 की रात को, यानी कि 11:30 बजे से और 5:30 बजे की रात तक आप सभी को ये दिखेगा। आपको कोई भी आपको बता दें PRS सर्विसेज, यानी कि टिकट रिजर्वेशन, करंट बुकिंग, कैंसिलेशन, इंक्वायरी सर्विसेज, ये कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। और चार्टिंग जो है पहले ही आपको कर लिया जाएगा, जो भी ट्रेनें सुबह रवाना होती है उसकी चार्टिंग 11 बजे रात को ही कर दी जाएगी। दोस्तों यही बहुत ही बड़ी अपडेट है। आपको 15 तारीख से लेके 21 तारीख के रात तक आप सभी को 6 घंटा जो है 11:30 बजे रात से लेके 5:30 बजे तक आपको कोई भी सुविधाएँ नहीं मिलेगी ऑनलाइन सांसद PRS काउंटर पर। तो इसका इंश्योर जरूर करें, किसी भी तरह का टिकट आपको नहीं मिले सुबह ही टिकट कटा लें, और जो भी चार्टिंग है वगैरह वो पहले ही आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे। ये तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको आगे आने वाले दिनों में 30% कम फेयर के साथ ट्रेनों की बुकिंग होगी। मिलते हैं दोस्तों।